हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। चलिए दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं कि हमने यात्रा के दौरान क्या क्या देखा और उसे आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो हमारी इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा और मैं बता देता हूँ कि बाबा बर्फानी की यात्रा में जो बालटाल से अमरनाथ के लिए निकलती है उसमें बहुत ही चढ़ाई है। यहाँ चढ़ने के लिए बहुत कठिन रास्ता है और मैं बता दूँ कि आपको कि पहले जो रास्ता था वो बहुत ही कठिन था, लेकिन आज अब के इस रास्ते में बहुत सारी सुविधाएं और रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है और रास्ते को आपके सुगम तो बना दिया गया है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बुजुर्ग और महिलाओं के लिए ये चंडे में आसान हो। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि जब भी आप बाबा यात्रा के लिए आते हैं तो कृपा आप हेली या फिर पहलगाम वाला रास्ता ही चुनें, क्योंकि इन घोड़ों पर बैठ के जाने से आपकी यात्रा इतनी अच्छी सुगम नहीं होगी कि जितना कि आप अपने वन बलबूते पे चल पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जान होती है और इन पर इतना बोझा लाद के लोग ले जाते हैं। आज हमने यात्रा के दौरान बहुत अच्छा नज़ारा देखा। चारों तरफ ठंड थी और इतने बादल छाए हुए थे, ज़्यादा मौसम ख़राब भी नहीं था। पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी यहाँ बर्फ़ भी जमी हुई है और बादलों से पूरा पहाड़ घिरा हुआ है। यहाँ आपको हेली जाते हुए भी नज़र आ जाएंगे इन पहाड़ों में ऊपर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ साइड में नदी बहती है, नदी बर्फ़ के कारण अभी चारों तरफ से बर्फ़ पड़ी हुई है और नदी का पानी बर्फ़ के नीचे से होके जा रहा है और यहाँ पे आपकी सुविधा और देखिए कि ये लोग दुकान का पूरा सामान इन घोड़ों पर लाद के ऊपर लाए हैं, जो आपको पानी, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट आदि सामान उपलब्ध कराते हैं इन दुकानों में यहाँ पे। यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, केवल इन घोड़ों से ही पूरा सामान उठा के यहाँ लाना पड़ता है। लंगर का सामान हो, दुकान का सामान हो, और ये भाई कितनी मेहनत करते हैं इन घोड़ों के साथ, और ख़ासकर तो ये घोड़े जो आपके लिए हर सामान ऊपर पहुंचाते हैं। रास्ता इतना ख़राब है फिर भी आपके लिए ये सामान किसी भी मौसम में पहुंचाने को तैयार रहते हैं। माने तो बेचारे बेजवान हैं, ये भी नहीं कह सकते कि हम परेशान हैं। अरे भाई थक गया होगा, थक गया तो रेस्ट कर ले। अरे ये कहाँ समझता है यार।
और इस चढ़ाई को हम चढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं लास्ट टॉप पर, जहां से बाबा बर्फानी की बस कुछ ही दूरी रह गई है। यहां से ये लेके आ रहे सामान और इस चढ़ाई में ये लास्ट ही चढ़ाई है जहां पर बस रास्ता ख़राब है, लेकिन फिर भी ये चढ़ जाते हैं, इतना भारी हो जा लेते हैं। ओहो, इनकी भी क्या जिंदगी है। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, कितनी कठिनाइयाँ चढ़ते हैं, तब जाके जाते हैं ये ऊपर। अब लगभग हम आ पहुँचे हैं संगम पर। यहाँ आपको कई दुकानें मिलेंगी जहाँ पर आप कुछ समय के लिए रेस्ट करेंगे और यहाँ से आगे की चढ़ाई के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ देखिए, इन घोड़ों से लाया गया सामान यहाँ पर खाली किया जा रहा है और कुछ द्वारा आगे ले जाए जाएंगे। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो घोड़ों पर ना ले जाते, खुद भी ले जाते हैं, खुद अपने पीठ पर इतना सामान लाद के, जहाँ पर हम बिना सामान के ही चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ ये कुछ लोग अपने पीठ पर सामान ले जाते हैं। देखिए मौसम कितना सुहाना मना।